आज नहीं। अच्छा, क्वालिटी की बहुत ही हाई ब्रीड का है और सभी हाई यील्ड की हैं, सारा नया स्टॉक है आज अवेलेबल 16 अगस्त 2019 को। ये देखिए आप सभी, ये जो आप देख पा रहे हैं सभी प्रेग्नेंट है अभी डिलीवरी में, सभी के 10 से 15 दिन बाकी हैं लगभग। और ये जो गायें हम वीडियो में कवर कर रहे हैं इस टाइम, वो अभी तकरीबन 4 से 5 दिन जिसको बाकी हैं अभी डिलीवरी में। और उसकी हाइट और लेंथ आप देखिए, खड़ी कर ले सीधी, बहुत ही ऊंची और कदकाठी की। और थानों का आकार बिल्कुल एक एक थाना अकेला अकेला लगा हुआ है। सलाइयर इसकी अगर ब्रीड लाइन देखी जाए तो काफ़ी अच्छी मिल्क क्वालिटी की है। पहली बार में ही 26 से 27 लीटर दूध दिया हुआ है, अभी सेकंड टाइम डिलीवरी के लिए रेडी है। ये देखिए, और ऑर्डर का ब्रीड का सभी चीज़ बहुत ही सुंदर है। इसका आकार थन भी बहुत दूर दूर लगा हुआ है और ऑर्डर का साइज़ भी बहुत अच्छा है। ये देखिए आप एक बार इसकी ब्रीड देखिए। टोटल आज हमारे पास 10 न्यू एनिमल्स अवेलेबल हैं जो सभी हाई यील्ड के हैं। इसको बांध के 2 नंबर वाली खोल लेना। आइए हम सेकंड गाय के बारे में बताते हैं जिसकी डिलीवरी 4 सितंबर को हुआ, यानी कि अभी 20 दिन बाकी हैं। और इसका पीठ पुट्ठा आप देख सकते हैं एक बार, और अभी इसमें लगभग 20 दिन का टाइम है डिलीवरी में। और हाइट तो एकदम सुपर हाइट है। और इसके साथ वाली जो अभी आई है देखिए, इसकी भी हाइट और लेंथ बहुत है, थनों का आकार बहुत अच्छा है। ये 2 नंबर वाली गढ़ दे बाहर, 3 नंबर वाली भी निकाली। ये सभी गायें इस टाइम आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, वो प्रेग्नेंट हैं। किसी को 10 दिन से 15 दिन के भीतर डिलीवरी का टाइम है इनका। ये देखिए इसकी अभी लगभग 20 दिन के बाद डिलीवरी है। और गाय की एक बार आप बनावट देख सकते हैं, पानी भी लाल रहता है इसको। थनों का आकार बहुत ही सुंदर, अभी भी थन और निकलेगा। और अर्डर तो अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी निकलना शुरू ही हुआ है, क्योंकि अभी इसमें 20 दिन और बाकी हैं अभी। और ओवरऑल ब्रीड और बॉडी शेप आप देख सकते हैं इसकी एक बार, हम कवर कर रहे हैं क्योंकि जब ये तैयार होगी तो एक बार फिर से इसकी वीडियो आपको दिखाएंगे। जो कस्टमर्स इसको परचेज़ करना चाहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट लेके हमें भेज सकते हैं। शायद याद होगा आपको, हमने एक 50 लीटर की गायें दिखाई थी, तो ये वही शेप में ऑर्डर अपना निकालेगी। और अभी इसकी आप बैक साइड से व्यू देख सकते हैं कि बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है, और अडर में अभी बहुत जगह है। ये 35 से 38 लीटर तक सेकंड लैक्टेशन में इजीली मिल्किंग करेगी। और इसके बाद ये है नंबर 3 पे, ये थोड़ी क्रॉस ब्रीड की गायें हैं, पर ये जो लोग ज़्यादा मिल्क वाली गायें लेना चाहते हैं और जिनके ये है कि उनको गर्मी में ज़्यादा सुविधा नहीं है, ज़्यादा ब्रीड नहीं रखना चाहते, तो उनके लिए ये क्रॉस ब्रीड गायें हैं जो 32 से 35 लीटर तक की मिल्क कैपेसिटी की है। ये देखिए एक बार, अभी 4 से 5 दिन इसके डिलीवरी के बाकी हैं। और अडर क्वालिटी आप देख सकते हैं कि क्रॉस ब्रीड गायें में भी कितनी शानदार अडर क्वालिटी आ सकती है। ये देखिए एक बार फुल आपको दिखा देते हैं, छोटू ले आए इधर को। सेकंड टाइम इसकी डिलीवरी अभी होनी है। और इसका बॉडी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, किसी भी तरह से ये नहीं बोल सकते कि ये किसी तरफ से वीक होगी या कैसे है, क्योंकि तो बिल्कुल अडर का साइज और थनों का गैप बहुत सुंदर है। खड़ी कर लें, ये लीजिए आप इस तरफ से भी देख लीजिए, और ये दूसरी तरफ से देखिए। थनों का आकार बहुत ही सुंदर है, और थन अकेला अकेला चारों थन बिल्कुल डिफरेंस लगे हुए हैं। ले जाओ छोटो इसको अंदर, हाँ 4 नंबर वाली ले आओ। ये 4 नंबर वाली गायें,
जो कि लगभग अभी एक हफ्ते बाद डिलीवरी देगी। और इसकी भी बताना चाहें कि 34-35 लीटर की मिल्क कैपेसिटी है। एक बार आप देखिए कि ऑर्डर अभी 10 दिन बाद कितना अभी और बढ़ेगा। ऑर्डर अभी ग्रो की करना स्टार्ट ही हुआ है। पानी पिला ले इसको, देखिए जो ब्रीड है वो अपना ऑर्डर साइज़ खुद बना लेती है टाइम टू टाइम, और एनिमल के ब्रीड के ऊपर ही उसकी मिल्क कैपेसिटी डिपेंड करती है। ये देखिए एकदम बढ़िया ऑर्डर क्वालिटी, और थानों का गैप भी बिल्कुल अच्छा है। चाहे किसी ने हाथ से मिल्किंग करनी हो या फिर मिल्किंग मशीन से करनी हो, तो दोनों ही में ये सारी गायें फिट बैठती हैं। ये देखिए, और ये फ्रेश वीडियो है दोस्तों, कोई पुरानी वीडियो नहीं है। ये भी देख लीजिए नंबर 5 पे जो काओ है, इसको भी अभी एक वीक बाकी है और 24 लीटर पहली बार में इसने दूध दिया हुआ है। ये सेकंड टाइम अभी डिलीवरी देगी। और ये देख लीजिए, मैं ऑर्डर का साइज़ आपको एक बार दिखा देता हूँ इसका। और बहुत ही शांत स्वभाव की है, देख लीजिए कि कोई भी बैठ जाए नीचे इसके ऐसे ही, कोई कभी टांग नहीं हिलाती या कुछ भी, बहुत शांत स्वभाव की है। जैसे हमने सबसे पूछा था कि कैसी गायें की वीडियो चाहिए, तो सभी का आंसर आया था कि हाई यील्ड एचएफ की। अराउंड 65% लोगों ने यही जवाब दिया था, तो इसलिए हमने एक हाई यील्ड एचएफ काउस की वीडियो बनाई है इस टाइम, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास हर टाइम बढ़िया से बढ़िया पशु अवेलेबल रहते हैं। जिसको भी रिक्वायरमेंट होती है वो आके परचेज़ कर सकते हैं हर टाइम। कई बार फ़ोन नहीं आपका पिक कर सकते, तो टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं आप या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा यहीं पे गिवन है। अब आ जाते हैं थोड़ा क्रॉस ब्रीड गायों पे। ये देखिए, ये 27 को इसके दिन पूरे हैं, और तकरीबन 24 से 25 किलो की ये रेड इन ब्रीड की साहिवाल क्रॉस गायें हैं। और ये देख लीजिए आपकी तकरीबन 25 से ऊपर ही इसकी मिल्क कैपेसिटी है इस बार। एक ये फर्स्ट लैक्टेशन की आप देखिए अभी, जिसकी अभी 4 से 5 दिन और बाकी हैं अभी डिलीवरी को, फिर भी ऑर्डर क्वालिटी देख लीजिए आप कितनी सुंदर बनाई है इसने। ये देखिए थनों का आकार भी बहुत सुंदर है, और बिल्कुल शांत स्वभाव की ये बछड़ी है। अभी ऑर्डर में स्वेलिंग आनी शुरू हो गई है क्योंकि तो फर्स्ट टाइमर है। इसके बाद हम आ जाते हैं ये क्रॉस ब्रीड गायें पे, जिसको अभी 20 दिन बाकी हैं डिलीवरी में। इसकी रेडी होने पे आपको एक बार फिर से वीडियो बना के दिखाई जाएगी। और ये आते हैं इस एचएफ गायें पे, जिसकी डिलीवरी अभी कल ही हुई है और लगभग 18 से 20 लीटर मिल्क कैपेसिटी की है। ये भी गायें ये सेकंड लैक्टेशन में हैं, सेम मिल्क कैपेसिटी की है। ये फर्स्ट लैक्टेशन की हमारी आज सेल हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास अवेलेबल है ये देखिए क्रॉस ब्रीड गायें जो घर पे रखना चाहते हैं 15 से 18 किलो तक की, ये भी मिल जाएगी आपको यहाँ पे। और एक बार मतलब ये है कि आप जैसी डिमांड करते हैं हमारे पास वैसे एनिमल अवेलेबल होते हैं हर टाइम पे। किसी को भी बल्क में ऑर्डर देना है या फिर 2-4 गायें से स्टार्टिंग करनी है, तो वो हमसे आकर एनिमल्स परचेज कर सकते हैं। सभी एनिमल्स बढ़िया मिल्क लाइन के होंगे, और जो भी एनिमल हम आपको डिटेल बताएंगे उसमें आप खुद देख सकते हैं कि एनिमल की क्वालिटी के हिसाब से एनिमल का प्राइस होगा। ये नहीं है कि कोई छोटा पशु है या फिर हल्का पशु है उसका प्राइस हम आपको बोल रहे हैं। जैसा एनिमल क्वालिटी के हिसाब से होगा उसी हिसाब से उसका प्राइस भी होगा। और हमारी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नई वीडियो एक बार फिर से 2 या 3 दिन में लोडिंग की अपलोड होगी, जिसमें हम ऑल ओवर इंडिया में जहां भी ट्रांसपोर्ट करेंगे आपको एक बार वीडियो डाल के ज़रूर बताएंगे। आप भी हमारा साथ एक बार एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और जिसने एनिमल्स परचेज़ करने हैं पंजाब से वो हमसे आगे विज़िट कीजिए। हमारे पास हर दम 20 to 25 तक एनिमल्स अवेलेबल रहते ही हैं।
तो और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स टू ऑल।